कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक ठाक होगा। तो फिर से एक बार स्वागत है मेरे कीर्ति जास किचन में। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही कलरफुल है, और कलरफुल स्टेट से है, इट मीन्स राजस्थान से है, जहाँ के लोग बहुत ही मसालेदार, बहुत ही चिकना वाला खाना खाते हैं। और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज है मेरे पास, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जरूर उसे शेयर करूँगी। का नाम है प्याज हरी मिर्ची की चटनी। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। ये है 3 छोटे प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये है 2 छोटे टमाटर, और ये है हरा मिर्चा जिसको मैंने काट लिया है। ये देखिए मोटी वाली हरी मिर्ची जिसमें कि भर के भी अचार बनाया जाता है, वही मिर्ची लगेगी, ठीक है। और ये है लहसुन, 10 लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है। ये है मेरे मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी, ये है हींग, जीरा, नमक, सरसों तेल, पानी और ये घी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चटनी। तो हम गैस ऑन कर लेते हैं और 2 मिनट इसको, ये देखिए मेरी लोहे की कढ़ाई है, इसमें अगर आप बनाएंगे तो हेल्थ के लिए भी सही है, क्योंकि हमको आयरन मिल जाता है इससे। और ये चटनी जो मैं आपको बता रही हूँ, प्याज हरी मिर्चा की चटनी, ये राजस्थान में बहुत बनती है। ये चटनी 3-4 दिन खराब नहीं होती है, आप इसको बना के रख सकते हैं। इसमें राजस्थान का नाम है तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा होगा, तो इस चम्मच से मैंने 5 या 6 चम्मच दे दिए। मेरा चम्मच भी छोटा है, अगर आपका बड़ा चम्मच है तो 3 ही दीजिएगा। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी 1 चम्मच, और हींग, ये देखिए 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। अब हम जीरा का तड़कने का वेट करेंगे। तो ये देखिए मेरा जीरा एकदम तड़क गया है। तो अब हम इसमें ये जितनी भी हमारी सामग्री है वो धीरे धीरे डाल, मैं इसको पूरा मिक्स कर दूँ। ये बहुत ही जायकेदार चटनी बनके तैयार हो जाती है। अगर सब्जी नहीं भी है तो भी आप इसको पराठा के साथ खा सकते हैं, और दही अगर मिल जाए तो और कॉम्बिनेशन लाजवाब हो जाता है। तो मैंने मिर्ची कम डाली है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, 20-25 मिर्ची हरी वाली तो वैसे डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, वो लोग ज़्यादा चीज खाते हैं। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं, और इधर हम जितने भी हमारे सूखे मसाले हैं उसको पानी में भिग के छोड़ देते हैं 10 मिनट। मसाला कितना डालना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये राजस्थान से है रिलेटेड रेसिपी, तो इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो ये कम में भी अच्छी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए मैंने ये 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, क्योंकि मैं भी कम ही खाती हूँ। देखिए दही, धनिया का पाउडर 3 चम्मच, हल्दी
ये है नमक, इसमें अमचूर भी डलता है। अगर मान लीजिए आप गर्मी के सीजन में बना रहे हैं तो इसमें आप अमचूर डाल सकते हैं, उस समय देसी टमाटर नहीं होते हैं, लेकिन अभी आपको अमचूर डालने का मतलब नहीं बनता है क्योंकि देसी टमाटर मार्केट में अवेलेबल है जो कि ओरिजिनली बहुत खट्टे होते हैं। तो ये देखिए मसाला मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखिए एक लंप है, इसको मैं थोड़ा सा और पानी देके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने से ये होता है कि मसाले पानी में भीग जाते हैं, सारा फ्लेवर बाहर निकल के आता है, इससे और ये टेस्टी बन जाता है। ये देखिए ये हमारा मसाला बनके तैयार है। और विंटर स्पेशल है तो धनिया पत्ता तो ज़रूर ही जाएगा। जब तक ये मसाले भीगते हैं मीनवाइल मैं धनिया पत्ता काट लेती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारा प्याज कहाँ तक पका है। ये देखिए आपको इसको लाल नहीं करना है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है, लाल नहीं करना है, जलाना नहीं है। इसी स्टेज पे हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने भिगो के रखा है। ये बहुत जल्दी बन जाती है। अब ये जो हमारा बचा हुआ मसाला, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा करके ताकि ये पक जाए, बढ़िया से मसाले भी गिर। अब हम इसको छोड़ देंगे ढक के 6-7 मिनट ताकि मसाला पक जाए, तेल पूरा ऊपर आ जाए, उसके बाद हम धनिया पत्ता डालेंगे। तो अब हम इसको ढक देते हैं। हमारे 8 मिनट हो चुके हैं, हमारी चटनी का क्या हाल है ये देखिए, पूरा तेल के ऊपर आ गया। ये देखिए देख ले पानी का भी, ये देखिए पानी भी लगभग पूरा सूख गया है। अब उसको थोड़ा सा हम गैस को ऑन कर देंगे हाई फ्लेम, अब तक ये लो फ्लेम पे था, पूरा पानी नहीं इसका जलाना है, थोड़ा सा। ये लीजिए हमारी जायकेदार प्याज हरी मिर्च की चटनी बनके तैयार है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। तो देखिए लाजवाब जायकेदार प्याज हरी मिर्च की चटनी तैयार है, इसको जरूर से बनाइए। सर्दियों में ये बहुत टेस्टी लगती है और 3-4 दिन ये आराम से चलती है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।